नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, या वो देश के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की आवाज। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाते हैं हर वो खबर जिसका सीधा सरोकार होता है आपसे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जहांगीराबाद में सहकारी चीनी मिल अनूप शहर के पेराई सत्र का शुभारंभ 7 नवंबर को प्रदेश सरकार के कैबिनेट गन्ना मंत्री सुरेश राणा द्वारा किया जाएगा, जिसकी तैयारियों में प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। ये चीनी मिल 7 तारीख को अपना पेराई सत्र का शुभारंभ करेगा। माननीय गन्ना मंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री सुरेश राणा जी उद्घाटन करने 11 बजे 7 नवंबर को उद्घाटन का समय शुरू। मिल प्रशासन क्या तैयारी चल रही है? मिल की तैयारियां ताजी और हैं, सभी मशीनरी लगभग तैयार है। मिल के ट्रायल करके देखे जा रहे हैं 7 तारीख के लिए गन्ना खरीद के लिए सेंटरों का और गेट का इंडेंट जारी कर दिया गया है। किसानों को पर्चियाँ जा चुकी हैं, गन्ना किसान आपूर्ति करके लाएंगे और चीनी मिल चलने के लिए पूरी तरह तैयार है। खबरों में बात करते हैं जनपद उन्नाव की, जहां पर पुस्तक विमोचन के कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित। वहीं हृदय नारायण दीक्षित ने गांव के ही साहित्यकार एवं साहित्य भूषण पद से सम्मानित चंद्रिका प्रसाद कुशवाहा द्वारा स्वरचित 111 शब्दों की पुस्तक का विमोचन किया। कार्यक्रम में पधारे मुख्य अतिथियों का ग्राम प्रधान पुत्र के अंगवस्त्र और प्रतीक चिन्ह देकर उन्हें सम्मानित भी किया गया। पाली जिले के नाडोल में आज मारवाड़ मेघवाल सेवा संस्थान की ओर से पंचम प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया, जिसपे छात्र छात्राओं को मेडल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया तथा प्रतिभाओं को आगे बढ़ने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। जिले के मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र के सिरियारी सीएससी में ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुलदीप सिंह शेखावत व चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह कुंपावत के नेतृत्व में सिरियारी सहित अन्य गांवों में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप एवं डेंगू मच्छर से बचने के अभियान के अंतर्गत बीमारियों की रोकथाम के लिए फॉगिंग स्प्रे करवाया गया। भरतपुर जिले के डीग कस्बे के अग्रवाल समाज की धर्मशाला पर आयोजित समारोह में अग्रवाल समाज के लोगों ने अध्यक्ष पंकज भूषण गोयल के नेतृत्व में प्रदेश के पर्यटन एवं देवस्थान विभाग के मंत्री विश्वेंद्र सिंह का चांदी का मुकुट और 51 किलो फूलों की माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। देवभूमि हिमाचल प्रदेश के बहुमुखी विकास को मद्देनजर रखते हुए हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर सरकार द्वारा नवंबर में आयोजित की जाने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट से ठीक पहले आयोजित मिनी कॉन्क्लेव में राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव राजपुरा का डंका बज उठा है। ये सब मुमकिन हुआ है हर्बल मैन के नाम से मशहूर गाँव के एक युवा किसान राकेश चौधरी की वजह से। हर्बल राज्य घोषित किया जाए, इतना सारा हर्बल, लेकिन आपके नजर में तो हर्बल है ही नहीं कुछ भी। हाँ। किसी के नजर में नहीं है, लेकिन सही मायने में देखा जाए ना, नहीं हर्बल के वजह से हमने तो भरतपुर जिले के डीग कस्बे में 3 नवंबर को जिला पुलिस अधीक्षक हैदर अली जैद के निर्देशन में वांछित सक्रिय अपराधियों एवं अवैध हथियारों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत एडिशनल एसपी बुगलाल मीणा, सीओ अनिल कुमार एवं कोतवाल गणपत राम के नेतृत्व में स्पेशल टीम बनाकर लगातार बदमाशों को पकड़ने के लिए दबिश दी गई। गिरफ्तार किया था बिलम का, उसके बारे में बताएं। ये तालीम नाम का है बिलम का, जो पिछले 2 वर्ष से लूट डकैती और ठटलूबाजी की वारदात में फरार चल रहा था, जो लगातार थाना डी की पुलिस टीम ने दबिश दी वहाँ पर, जिसे घबरा कर इन्हें एडिशनल एसपी साहब डी के समक्ष सरेंडर किया, जिसको मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया गया। कितने वर्षों से फरार चल रहा था मामलों में? ये एक मामले में 2 वर्ष से फरार चल रहा था और एक मामले में 1 वर्ष से फरार था। इससे कुछ बरामद भी किया सर आपने? इससे उसमें जो घटना के अंदर जो वारदात की थी उसमें उसका जो पहचान पत्र था वो इससे बरामद हुआ। जमीन जायदाद के लिए रिश्तों की कत्ली की खबर तो आपने खूब सुनी होगी, मगर इस बढ़ती महंगाई में किन्नरों को भी एक दूसरे का दुश्मन बना दिया गया है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के कवि नगर से सामने आया है, जहां एक पार्क में मॉर्निंग वॉक पर निकले किन्नर पर दूसरे किन्नर ने जानलेवा हमला कर गोली मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। गुरु की चेला हूं, ये घटना आज सवेरे हुई, मेरी गुरु की गोली मारी, 2 मारी थी, एक रह गई, एक लग गई।
सुबह के टाइम उनके ही गुरु भाई ने गुड्डी ने उनके साथ में ढोलक बजाते मुनफेक उन दोनों ने और दो और आए थे, दो बाइक में आए थे है ना, दोनों बाइक में थे, उन्होंने देखा और क्या नाम है उन्होंने मारी है। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे गुरु को इंसाफ मिले सच्चा। अच्छा जी क्या हुआ था? मैं सुबह उठी, मैंने मुझे शुगर है, शुगर की दवाई खाई, मैं पार्क में गई, पार्क में वहाँ पे कीर्तन हो रहा हमारे बराबर में, दो मोटरसाइकिल घूम रही थी, मैं पता नहीं कैसे घूम रही, मैं घूम के मैं फ्लैट में जा रही थी, तब फ्लैट सामने एकदम से बाइक पे से उतरा, वो वाइट चादर ओढ़ रखी थी, उधर एक किन्नर था तो मोटरसाइकिल बैठा हुआ काली चादर ओढ़ के, वो के मार मार इसके एकदम से जो आगे से मार, एकदम मैं घूम गई एकदम से पीछे लगे एकदम मैं गिर गई, वो दूसरी मार रहा था एकदम मिस हो गई, वो तो पब्लिक मैंने जो जोर से मेरी चीख लिया, पब्लिक आई, पब्लिक ने मीट मारी सबके एकदम भाग गए। रिपोर्ट दर्ज हो गई? हाँ जी। जानकार थे या? जानकार हैं। कौन लोग? टीम मुनफेद। किस बात को लेकर मारी गई कुछ मालूम? पहले हमारा इलाके के ऊपर लड़ाई हुई झगड़ा, एक गुरु के चेले हैं हम। सेड़वा उपखंड के उगाला ग्राम पंचायत में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत रखी गई, जिसमें किसानों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर राजस्थान सरकार को चेतावनी दी गई कि आपने चुनाव के वक्त जो किसानों के लिए जो कर्ज माफी की घोषणा की वो पूरी करें, अन्यथा दिसंबर माह में भारतीय किसान यूनियन महा आंदोलन करेगा। बाड़मेर या भरतपुर रेलवे ट्रैक को जाम करने की भी चेतावनी दी गई। जिला मिर्जापुर के महुवरिया स्थित जीआईसी के सामने बीएलजी के मैदान में आज महायज्ञ का दूसरा दिन भी बड़े धूमधाम से मिर्जापुर के जनता की सुख शांति और समृद्धि संपन्नता के लिए मनाया जा रहा है, जिसपे बहुत दूर देश के साधु संत भी 9 दिन के महायज्ञ में शामिल हुए हैं और दिन में प्रवचन और रात्रि में रामलीला का भी आनंद उठा रहे हैं और इसी तरह 9 तारीख तक यज्ञ कथा रामलीला चलती रहेगी। 10 तारीख को विशाल भंडारे का आयोजन भी रखा गया है।